जब को लगता होगा कि मुझसे गुनाह हो गया, मुझसे पाप हो गया, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर दिया, अपने शरीर के विरुद्ध पाप किया। बहुत से पाप ऐसे होते हैं जो हम ना चाहते हुए भी हमसे हो जाते हैं, क्योंकि वचन में पौलुस भी कहता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं करना चाहता वो मुझसे हो जाता है। तो पाप कई बार हम नहीं करना चाहते, हमारा मन नहीं चाहता, लेकिन कई बार हम जानबूझकर पाप में गिर जाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा। वचन में क्या लिखा है, नीति वचन 24:16 में लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन उठ खड़ा होगा। क्यों? जब हम चाहेंगे कि खुदा हमें उठा, हम गिर गए थे, हम जब अपने गुनाहों को खुदा के सामने मान लेंगे, वचन भी कहता है कि जो कोई अपने गुनाहों को मान लेगा और उन्हें छोड़ भी देगा उन पर दया की जाएगी। तो हम जब खुदा के सामने अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो हम पर दया की जाती है। तो दया खुदा कब करता है? जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं। गुनाह क्षमा करता है हमारा, वो दयालु है, लेकिन हमें वफादारी के साथ खुदा के सामने अपने गुनाहों को मानना होता है और उन्हें छोड़ना होता है। अगर हमसे नहीं छोड़ा जा रहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम चाहते हैं छोड़ना लेकिन नहीं छोड़ पाते। हम अपने वश से, अपनी आत्मा से, अपने बल से, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई बहनों, खुदा से कहो कि प्रभु मुझे ये गुनाह छोड़ने के लिए, बुरी आदतें, ये बुरी बातें, ये बुरी जो भी आपके अंदर जो भी बुराइयाँ, छोड़ने के लिए परमेश्वर अनुग्रह मांगे और खुदा से कहें कि परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं तेरे विरुद्ध में कभी पाप ना करूं। आप मांगेंगे और खुदा आपके लिए करेगा। मेरे साथ एक प्रार्थना करें। हे यहोवा, हे प्रभु यीशु मसीह, खुदावन, मैं अपने गुनाहों में ना चाहते हुए गिर गया प्रभु। हो सकता है मुझसे जाने अनजाने में हुआ हो प्रभु, लेकिन मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है परमेश्वर, मुझे क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा है जो कोई अपने अपराधों मान लेगा उन्हें छोड़ भी देगा, उन पर दया की जाएगी। प्रभु मैं मानता हूँ, मैं छोड़ता हूँ अपने गुनाहों को। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे अनुग्रह दे कि तेरे विरुद्ध फिर से पाप ना करूँ। सारी आदर मान महिमा स्वर्गीय परमेश्वर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर।